हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और जेजेपी प्रत्याशियों को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रचार के दौरान लगातार किसान दिक्कतें पैदा कर रहे हैं नेताओं के लिए। हाल में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को भी किसानों ने घेर लिया। दरअसल अंबाला छावनी विधानसभा के क्षेत्र पंजोखरा में मंगलवार को पूर्व गृह मंत्री और छावनी से विधायक अनिल विज भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां पर किसानों ने उन्हें घेर लिया और सवाल जवाब किए। इस दौरान अनिल विज भी किसानों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। किसानों ने विज से पूछा कि किसान शांति से दिल्ली जा रहे थे, फिर भी बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें क्यों रोका गया, उन पर गोलियां क्यों चलवाई गई। इसके जवाब में अनिल विज ने हाथ जोड़े और किसानों से माफी मांगी। अनिल विज ने कहा कि गोली मैंने नहीं चलवाई है, ना ही चलाने का आदेश दिया था, फिर भी मैं गृह मंत्री हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी गलती मानता हूं। बाद में किसानों ने पूछा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई और आज आपकी सरकार है, ऐसे में एक भी बंदे को चंडीगढ़ जाना हो या अस्पताल जाना हो तो रास्ता क्यों नहीं खोला जाता है। इस पर जवाब देते हुए विज ने कहा कि मैं तो अब सिर्फ MLA हूँ, क्या आप मानते हैं कि मैंने काम किए हैं। जवाब में किसान बोले कि ये बात मानते हैं कि आपने काम किए हैं। विज ने कहा कि आपने रोका, मैं भागा तो नहीं, दूसरे नेताओं की तरह मैं भागा तो नहीं, आप हम एक ही हैं, हमारे मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं मगर हम एक हैं।